नमस्कार, आज 23 अक्टूबर है और महज 10 दिन बाकी रह गए हैं चुनाव में। 10 दिन बाद बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है और दूसरे चरण में सीवान की सभी 8 सीटें शामिल है। और अभी इस समय हम लोग सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा के दिगवलिया पंचायत के दिगवलिया गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पे राजद नेता हरिशंकर यादव जी पहुंचे हुए हैं। जनता के बीच पहुंचकर क्षेत्र में लोगों से मिलने और अपने पक्ष में वोट लेने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजद इस बार राजद माले और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो राजद के साथ साथ माले के भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं और लगातार ये लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और इसी दौरान अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। तो सीधे हम बात करेंगे उनके कुछ समर्थक हैं विधायक जी के, पहले हम कुछ समर्थकों से बात करेंगे चूँकि इस गांव में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप लोग गाँव में पहुँचे हुए हैं दिगवलिया में? जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और दिगवलिया पंचायत की नहीं पूरी विधानसभा की जनता विधायक जी को बहुत समर्थन कर रही है और विधायक जी के पीछे दीवाना है और एक ऐतिहासिक जीत की तरफ हमारे विधायक जी बढ़ रहे हैं। और इस विधानसभा में विधायक जी हमारे इतिहास रचने जा रहे हैं जीत का, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है चाचा, क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप भी विधायक जी के साथ रह रहे हैं। बढ़िया, ठीक है। हाँ, खूब बढ़िया है। क्या कहेंगे? एकदम बढ़िया है। हमारे विधानसभा रघुनाथपुर में बहुत माने अच्छा पोजीशन चल रहा है और बहुत ज़्यादा माने परसा 2015 में ये 10-12 हज़ार वोट से जीते थे, लेकिन ये टाइम में लग रहा है हम लोग को जो 20 हज़ार से कम वोट से हम लोग नहीं जीतने वाले हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। किस तरह की मेहनत आप लोग कर रहे हैं, लगातार आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में? अच्छा मेहनत कर रहे हैं हम लोग, जैसा मेहनत करेंगे वैसा फल मिलेगा, लगातार घूम रहे हैं। चलो, तो विधायक जी से ही बात कर लेते हैं। विधायक जी मौजूद हैं, हरिशंकर यादव जी। सर, लगातार बात होती रहती है हमारे चैनल के माध्यम से, आज आप दिगवलिया पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? दिगवलिया नहीं पहुंचे, दिगवलिया पहुंचते हुए बहुत गांव के दौरा कर चुके हैं। 7 बजे से हम घूम रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। अपील करने के पहले हमारे समर्थक गठबंधन के लोग एकदम रोड पर निकल के इंतजार कर रहे, इंतजार सब कर रहा था आ सब लोग पाछे लग जाता। अभी थोड़ा भूख प्यास के दिन बा, सुबह से लोग घूमत रहला इधर उधर गईल बा, तो जहाँ भी जाता नहीं वो गांव के जनता एकदम अटूट समर्थन के साथ गठबंधन के साथ बा। आ इक बता देता नहीं कि ये बेरी के इलेक्शन एकदम आर पार के बा, आ कोई लड़ाई में है नहीं है, सब दो आदमी लड़ते रहे, जो हम 2 नंबर पर जाई तो हम 2 नंबर पर जाई, आ हमारा कोई से लड़ाई नहीं है, एकदम मैदान साफ बा। 50 हज़ार वोट से लीडिंग होके जा रहा बा रघुनाथपुर में हमारा। यादव जी बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार इनकी लड़ाई किसी से नहीं है और लगभग 50 हज़ार वोटों से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं और कल ये पूर्वी हरियास होते हुए पूरा चाँप गांव तक का दौरा किए हैं और एक दिन में लगभग 15 से 20 गाँवों का दौरा करते हैं। इसी क्रम में आज भी विधायक जी निकले हुए थे सुबह 7 बजे रघुनाथपुर के दिगवलिया सहित और भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर ये गए हैं, लोगों से मिले हैं, जनसंपर्क किए हैं और अभी दिगवलिया पंचायत के दिगवलिया गांव में यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं विधायक जी और इसके बाद फिर कई क्षेत्रों में निकलेंगे। न्यूज़ इंडिया के माध्यम से लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं, और भी कुछ लोग हैं साथ में, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। विधायक जी हालाँकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जी बताइए, क्या कहेंगे? हम ही कहेंगे कि विधायक जी हमारे गार्जियन तुल हैं, इसके पहले हम लोग काफ़ी मेहनत करके जिताए थे 12 हज़ार मत से। अभी हम लोगों के साथ गठबंधन है कांग्रेस माले और राजद और सभी लोग एकजुट होके विधायक जी के साथ रात दिन लगे हुए हैं। हमारे यहाँ टारी पंचायत मेरा घर हुआ, मैं टारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हूँ और मुखिया मेरी पत्नी रिंकू देवी है। टारी पंचायत अपार वोट से जिताएगा, दिघोलिया पंचायत अपार वोट से जिताएगा, चूँकि ये हम लोगों के समक करीब पंचायत है और हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। 10-20-30 मोटरसाइकिल से भी लोग मेहनत कर रहे हैं, माले के लोग हों राजद के लोग हों, दोनों आदमी में हरा हुसी लग गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा
कितना वोट किस गांव से किस बूथ से दिलवाया जाए, इसमें कंपटीशन है। और विधायक जी के हम लोग भारी मतों से जिताएंगे। सर आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, क्योंकि आपकी पत्नी मुखिया है, आप मुखिया पति हैं, तो आप जनता को और वोटर को ज़्यादा अच्छा जानते हैं। जो माले और कांग्रेस भी इस समय गठबंधन में है, माले गठबंधन करने से किस तरह के बेनिफिट होने जा रहा है, क्या फ़ायदा होने जा रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हमारा जो गठबंधन माले से है वो हम लोगों से डबल मेहनत करते हैं माले के लोग, चूँकि हम भी घूमते हैं। अगर हमारे कर्जकर्ता 10 लगते हैं तो उनके 15-20 लगते हैं, लग गए हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ भी माले साथ दे रहा है। हमारा पार्टी के जो लोग हैं वहाँ माले का जो कैंडिडेट है उसको साथ दे रहे हैं। मेरा गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, ये हकीकत है, जमीन की बात। क्या लग रहा है चाचा, गठबंधन का कितना फायदा दिख रहा है? गठबंधन में हरिशंकर मुखिया विधायक जी रहे हैं, इस बार भी रहेंगे। आ जनता बहुल क्षेत्र माने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा साथ में है, आ फिर इस बार वही विधायक बनेंगे, बहुत ज़्यादा वोट से ये जीतने जा रहे हैं। इनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। क्या लग रहा भैया, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, ये इस बार का जीत ये पूरे बिहार का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन लाने वाला जीत हम लोग बिहार में करने जा रहे हैं। केवल रघुनाथपुर की बात नहीं है, पूरे बिहार में महागठबंधन के मैक्सिमम सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। गठबंधन में कहीं कोई शंका नहीं है। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में विधायक जी आए हुए हैं? हमारे साथ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कैडर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले है, और हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय वाली पार्टी है। अब तीनों को जोड़कर यहाँ कोई पार्टी दिखता नहीं है। हम लोगों का अपार बहुमत से यहाँ विजय होने वाला है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। वो लोग जदयू और लोजपा आपस में लड़ रहे हैं, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर के लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ उन लोगों से कोई लड़ाई नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं बोलेंगे। चलो तो बहुत सारे लोग हैं, बताइए क्या कुछ कहेंगे विधायक जी साथ घूम रहे हैं। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी श्री हरिशंकर यादव जी की लड़ाई किसी से है ही नहीं है। यहाँ ये बहुत आगे भारी मतों से विजयी होंगे। यहाँ की लड़ाई जो है बहुत पीछे है, जदयू गठबंधन हो या लोजपा हो, बहुत पीछे है। भारी मत से यहाँ विजयी बनेंगे हरिशंकर यादव। हम युवाओं इनके साथ हैं, तेजस्वी जी के साथ हैं, बिहार विकास के लिए सब एकजुट है। चलिए तो विधायक जी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखाते रहते हैं। उनके कई सारे समर्थकों से हमारी बात हुई, समर्थकों ने कहा कि जिस लेवल का मेहनत ये कर रहे हैं और कांग्रेस और माले जैसे गठबंधन में है, तो कहीं ना कहीं ये आश्वस्त हैं कि इस बार एक बार फिर से हरिशंकर यादव जी रघुनाथपुर के विधायक बनेंगे। इन्होंने साफ तौर पर समर्थकों का ये भी कहना है कि जदयू और लोजपा आपस में लड़ रही हैं तीन नंबर और दो नंबर के लिए। हालांकि जनता किसको वोट देती है और किसको चुनाव जिता के भेजेगी ये आगामी 10 नवंबर को पता चलेगा। 3 नवंबर को मतदान होने हैं सिवान के सभी 8 सीटों पर और 10 नवंबर को नतीजे आने हैं। जब 10 नवंबर को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा जनता ने किसे विधायक बनाया और कौन बिहार का नया मुख्यमंत्री बनता है। बने रहिए लगातार हमारे साथ।